मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की चिंतामन जवासिया स्थित श्री महाकालेश्वर भगवान के भोग लड्डू निर्माण इकाई पहुंचे। यहां उन्होंने लड्डू इकाई में बैठकर लड्डू बनाए और पैकिंग भी की। डॉक्टर यादव ने उपस्थित कारीगरों से चर्चा की। अब तक 4 लाख लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। लड्डू बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। मैं स्वयं 22 तारीख को चित्रकूट में रहने वाला हूँ और हम अपने प्रदेश से लेकर के वो जो अद्भुत छटा निहारेंगे उसका हमारा सबका सौभाग्य होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ था और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो इतनी बड़ी एक तरह से वर्षों पुरानी जिस बात को लंबित किया था कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने, उसका न केवल समाधान खोजा बल्कि हिंदू मुसलमानों की एकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जो एक तरह से 22 तारीख को हो रहा है, जब हम सब जानते हैं कि 50 साल तक जो परस्पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ते रहे, वैसे वो मुस्लिम बंधु अगर धर्म के इस मार्ग में हिंदू हो सकते हैं भावना का सम्मान करते हुए वो अगर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि वो इस मामले में एक निश्चित अपना स्टैंड बदले और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं सम्मिलित हो। कांग्रेस को विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से हमने 22 तारीख को ये योजना है अपनी सरकार के माध्यम से ड्राई डे घोषित किया है कि हर हालत में हमारी अपनी इस आस्था के पर्व पे किसी प्रकार के व्यसन की कोई दुकान चालू नहीं।